हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आज हम बनाएंगे चटपटी टेस्टी भरवा टिंडे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं, साथ ही 5 से 6 आलू। इन सभी को अच्छे से छील लिया है। अब इनमें लगाएंगे कट। एक हम सेंटर में कट लगा देंगे और साइड से एक कट लगा देंगे। और ये देखिए, टिंडे में हमने कट लगा लिए हैं अच्छी तरह से। ऐसे ही हम सभी टिंडे और जो 5 से 6 आलू कट किए हैं उनमें से अच्छे से कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सभी टिंडों में अच्छे से कट लगाने के बाद अब हम रेडी करेंगे एक मसाला। मसाले में हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 से 4 चम्मच हमने छोटे चम्मच धनिया का पाउडर डाला है। कुछ डाला है, आधा छोटा चम्मच हमने डाला है इसमें चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच हमने डाला है इसमें गरम मसाला। सभी मसालों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हम टिंडों और आलू में स्टफ़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने टिंडों और आलू में कट लगाए थे उनमें सभी में ये मसाला अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। एक एक करके देखिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल ही आपने मसाला स्टफ़ करना है। ऐसे हमारे टिंडे बहुत ही अच्छे चटपटे बनते हैं और इसमें आलू डालने से बच्चे भी इसे खूब शौक से खा लेते हैं। अब सभी टिंडों में हमने मसाला स्टफ़ कर लिया है। अब करेंगे ऑयल गरम। हमने टिंडे मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में बनाए हैं। सरसों के तेल में सूखी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल या घी में बनाना चाहते तो उसमें भी बना सकते हैं। अब घी तेल गर्म हो गया था, उसे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं टिंडे और आलू। इसे लो से मीडियम पर फ्लेम पर बिना ढके हिलाते हुए चलाएंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाएं और काफ़ी क्रिस्पी हो जाएं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे जो भी हमारा मसाला बच जाएगा और लास्ट में इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि ऊपर से टिंडे फीके ना लगें, और डालेंगे कुछ सिरका या नींबू का रस जिससे ये टिंडे काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। देखिए हमारे टिंडे कितने अच्छे पक कर रेडी हो चुके हैं। इसे पूरी परांठे, रोटी किसी के साथ खा भी खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।